इसके समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, कल समय के अभाव के कारण ऑडियो प्रोवाइड नहीं किया जा सका। उसका मेन कारण है माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में कल सुबह 9:30 बजे से लेके रात्रि 9:30 बजे तक हमारी पूरी टीम लायर चैम्बर में व्यस्त था। व्यस्तता ज्यादा होने की वजह से ऑडियो प्रोवाइड नहीं करने का समय मिला। काफी कार्य था, चाहे वो सीनियर अधिवक्ता को इंगेज करने का निर्णय लेना था, एडिशनल रूप से जो भी डॉक्यूमेंट बचा हुआ था उसे कलेक्ट करना था, फाइलिंग का भी कार्य करना था और ब्रीफिंग का भी कार्य कल से ही प्रारंभ करना था, क्योंकि हमारे आपके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है। कम समय में एक बेहतर तैयारी के साथ जाना है। 20 अक्टूबर को एक बेहतर आर्गुमेंट कराना है, जिससे केस में नोटिस हो सके, काउंटर कॉल हो सके, इंट्रैक्शन कॉल हो सके, जिससे हमारे आपका जो भविष्य का फैसला होना है और हमारा आपका भविष्य उज्जवल हो सके, एक बेहतर प्रयास किया जा रहा है। दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ कार्य किया जा रहा है लगातार माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में। किसी भी स्तर पे लापरवाही करने का गुंजाइश नहीं है, ना तो लापरवाही किया जा रहा है। आज 12:30 बजे तक प्रदेश के जितने भी याची भाई बहन संघर्षशील टीम से जुड़े हुए हैं, सबका नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा, सारे अभ्यर्थी पार्टी बन जाएंगे। आने वाला 20 अक्टूबर को जो सुनवाई होना है उसमें सारे पार्टी हमारे साथ जो बन रहे हैं सबका सुनवाई एक साथ हो। तीसरी बात, कल हमें सीनियर अधिवक्ता को लेके चयन करना था, निर्णय लेना था। 11 बजे तक हमारे एओआर, हम लोग, हमारी पूरी टीम मुकुल रोहतगी के कार्यालय या ऑफिस के संपर्क में लगातार बने रहे, लेकिन लास्ट में जो डिसीजन आया कि वो 20 तारीख तक अवेलेबल नहीं है, वो भारत में नहीं रहे। इसलिए तत्काल 11 बजे के बाद तीसरा विकल्प हमें चुनना था और एक बेहतर सीनियर अधिवक्ता को चुनना था। बेहतर मतलब टॉप उच्च कोर्ट के अधिवक्ता का चयन करना था, क्योंकि हमारे केस में जो तो नोटिस कराना है तो हमें आपको उच्च कोर्ट के ही अधिवक्ता को चयन करना पड़ेगा। मुकुल रोहतगी अवेलेबल ना रहने के कारण एक बड़ा चेहरा का चयन करना था और दूसरे भी एओआर के साथ विचार विमर्श किया गया, अपने एओआर के साथ विचार विमर्श किया गया, कई और नाम आए, कई और चेहरा आए, कई चीजों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना था। पार्टी का होना चाहिए, विपक्ष का नहीं अधिवक्ता होना चाहिए, तमाम चीजें को ध्यान में रखते हुए हमको चयन करना था। तो काफी विचार विमर्श करने के बाद रंजीत कुमार जी का नाम आया, जो 2014 में सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं, एक बड़ा चेहरा है, उच्च कोर्ट के अधिवक्ता हैं, मुकुल रोहतगी के बराबर के अधिवक्ता, इसलिए इनका चयन किया गया। और हमें पूर्ण आशा नहीं, विश्वास है, जिस तरीके से कई अधिवक्ताओं से विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया गया, एक बेहतर रिजल्ट आएगा। और पूर्ण आशा नहीं, विश्वास है कि हमारे केस में नोटिस हो जाएगा। इनका फीस पर हेयरिंग 8 लाख रुपया है। कल रंजीत कुमार जी को हायर कर लिया गया है, 50% पैसा पेड कर दिया गया। अब लास्ट बात, कुछ पैसे की कमी आ रही है, काफी अभ्यर्थी काफी कम पैसा दिए, लेकिन आज इस विषय पे चर्चा करने का वक्त नहीं है। कौन कितना दिया, क्या किया, क्या नहीं, क्योंकि हमारे आपके पास 24 से 48 घंटा का वक्त है। ये तो इन बातों पे हम चर्चा करने पे समय व्यतीत कर देते हैं तो सीनियर अधिवक्ता जो उच्च कोर्ट के हैं उनको हम नहीं खड़ा कर पाते हैं, आर्गुमेंट नहीं कर पाते हैं, तो हमारे आपके लिए बहुत दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि इसके सिवा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये लास्ट अवसर है, कहीं भी गलती करने का गुंजाइश नहीं है। इसलिए बहुत सोच समझ के एक बेहतर सीनियर अधिवक्ता एंगेज किया गया है, मुकुल रोहतगी के ना रहने के कारण। 2014 में सॉलिसिटर ऑफ जनरल रह चुके हैं, बहुत बेहतर सीनियर है, सर्विस मैटर के बहुत ही बेहतर सीनियर है, और जिस कोर्ट में हमारा केस लगा है उस कोर्ट में अब बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं, जो भी जानकारी मिला है एक बेहतर
जो भी आर्गुमेंट करते हैं सुना जाता है और तवज्जो मिलता है। तो ये सारी चीजें हो गए। आज ये वक्त नहीं है कौन कितना दिया क्या किया, क्योंकि जब तो इसमें हमारा समय चला जाएगा तो फिर हम आगे नहीं कार्य कर पाएंगे। और कल 12 बजे तक, हर हाल में 12-1 बजे तक हमको पैसा पेड करना है। तो एक बार पुनः मैं सभी जितने भी संघर्षशील टीम से जुड़े हैं, याची भाई बहन, उन सभी याची भाई और बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह हमारे आपके भविष्य का फैसला होना है। कहीं भी किसी स्तर पर लापरवाही नहीं करना है। जीवन में 100, 200, 400 बहुत आएंगे और जाएंगे, लेकिन ये वक्त नहीं आएगा। इसलिए हर हाल में हमें जो तो वर्दी लेना है, केस में नोटिस कराना है, तो सभी भाइयों से मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि आप 300-300 रुपया कल 12 बजे तक सभी अभ्यर्थियों को देना है। और जो तो जो नहीं मदद करते हैं तो वो अपने भविष्य का फैसला खुद ले सकते हैं और खुद अपने भविष्य के साथ वो मजाक कर रहे हैं। इसलिए सभी याची भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि हर हाल में आपको करना ही होगा। 300-300 रुपया बहुत बड़ा राशि नहीं है। पैसा कम होने की वजह से मदद मांगा जा रहा है, काफी अभ्यर्थी कम दिए, वरना आपसे नहीं मांगा जाता। एक कैंडिडेट का सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनाने में कितना खर्च आता है और लोगों से भी पता कर लीजिए। इसलिए कम से कम फीस निर्धारित किया गया था और उसमें भी काफी लड़के कम पैसा देने की वजह से समस्या आ रहा है। तो कल 12 बजे तक सीनियर अधिवक्ता का पूरा पैसा हम पेड कर पाए। इसलिए कल हर हाल में 12 बजे तक प्रदेश के जितने भी याची भाई बहन हैं 300-300 रुपया देना है। हाँ, 300 रुपया डालने के बाद आप 60 स्क्रीन मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज देंगे अपना नाम लिख के, जिससे आपके नाम के आगे टिक लगाया जा सके कि आपने मदद किया है। और बाकी आप खुद समझदार हैं, ज्यादा वक्त तो है नहीं, लेकिन हर हाल में आपको मदद करना होगा। आपको अभी हर ग्रुप में अकाउंट नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हमारे पास आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, कल 12 बजे तक का समय है। आज से आप जैसे ही अकाउंट नंबर प्रोवाइड किया जाता है आप मदद करना प्रारंभ कर दीजिए, जिससे कल 12 बजे तक जो बचा हुआ पैसा है अधिवक्ता का पेट कर सकूं। तो आपसे बिना फिर दोबारा आग्रह है कि 300-300 रुपया जल्द से जल्द आप देना शुरू कर दीजिए और कल 12 बजे तक सभी अभ्यर्थी एक दूसरे में, जो तो कोई नहीं देता है वो जाने, उनका काम जाने, ठीक है? क्योंकि सबके भविष्य का फैसला होना है, कहीं भी किसी स्तर पे लापरवाही का गुंजाइश नहीं है। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।